नमस्ते जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनी एनजे। गाइस, तो फिर अभी मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ एक सीरियस बातों को लेके, जो अभी हम लोग की कंट्री इंडिया के अंदर और सोशल मीडिया दोनों में वायरल हो रही है, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। तो अभी हम लोग बात करते हैं एक यूट्यूबर के बारे में। उस यूट्यूबर का नाम है पारस बोल के, और उसका एक यूट्यूब चैनल है पारस ऑफिशियल, जो एक गेमिंग चैनल है। और उस चैनल में उसने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, जिसमें उसने बोला था कि पबजी के बारे में। अभी वो वीडियो पारस के चैनल में नहीं है, डिलीट कर दिया गया है। एंड अभी ये बात जो चल रही है वो उसी वीडियो के रिगार्डिंग एक कंट्रोवर्सी चल रही है, और इसका रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश की MLA श्री निन्यम एरिंग सर ने एक पोस्ट किया था जो ट्विटर में, पबजी अनबैन ना करने का रिक्वेस्ट किया था नरेंद्र मोदी सर को। एंड इस बात को लेके 2 दिन पहले पारस ने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब चैनल में, जो अरुणाचल प्रदेश के MLA सर को फेस एंड फिर नेम को लेके उन्होंने एक टिप्पणी किया था, वो आप लोग खुद देख लीजिए। फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको, ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। बाकी उसके बाद चलो ये भी देख लिया हमने, और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई, कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश, इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है, इंडिया में आता है अपने। और ये भाई साहब यहाँ पर दिल्ली, न्यू दिल्ली PM मोदी को ट्वीट कर रहे हैं इतनी दूर से। भाई साहब बहुत बढ़िया कि आपने ट्वीट करके, हम आपके आभारी हैं, आपने इतना हमारे देश के लिए सोचा। बट आपको आई एम ऑल्सो फ्रॉम सिक्किम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड इस पैंडेमिक टाइम में ये सब बातों को सुन के हम लोग को भी बहुत बुरी फील हो रही है, जिस बातों को नहीं होना चाहिए वो अभी हम लोग का इंडिया में हो रही है। एंड ये किसी को फेस, किसी का फेस को देख के और नेम को देख के आप लोग दूसरे के ऊपर कमेंट करना, ये अच्छी बात नहीं है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अ क्राइम। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम लोग भी इंडियन है, वी आर ऑल्सो इंडियंस। हम लोग ज़रूर इंडिया का चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, बट हम लोग चाइनीज़ नहीं है, वी आर नॉट अ चाइनीज, वी आर अ इंडियन। अभी पारस को अरेस्ट कर लिया गया है पंजाब लुधियाना पुलिस ने, और अरुणाचल प्रदेश से भी 5-6 पुलिस गया हुआ है पारस को लेने के लिए। अभी पेपर वर्क चल रहा है, वो 2-3 दिन में वो अरुणाचल प्रदेश में पारस को लेके आएंगे। नहीं नहीं, और 2 यूट्यूबर निकल गया है जो पारस की तरह है, उन्होंने भी MLA सर के नेम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर टिप्पणी किया है। वो यूट्यूबर भी बहुत बड़ा यूट्यूबर है जिसका 2 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स है। उसका एक का नेम है 420 गेमिंग एंड दूसरा का नेम है GTXPRI, वो आप लोग देख लीजिएगा। आ रहे हो तुम, देखो ना यहाँ से पहुंच उनका सकते खुद हैं। का था पता नहीं है भाई, छोड़ो ना उनको, तुम वो खुद चाइनीज लग रहा है मुझे, तो दिक्कत ही क्या है उनके। जो लोग बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल, ठीक है एक बहुत गंदा ट्रोल करता हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल जो अभी बैंगलोर मोबाइल इंडिया आ रहा है वो चाइना का है, यार तुम अपना नाम तो देखो, तुम्हारा नाम तो चाइना का है। जिस भी बंदे ने ट्वीट डाला उसका नाम देखो एक बार जाकर। पारस सिंह को तो अरेस्ट कर लिया गया है, अब ये 2 जो यूट्यूबर है उसको भी अरेस्ट करनी चाहिए, और इसको भी पारस के साथ जल्दी अरुणाचल प्रदेश लेके आना चाहिए। इस लोगों को भी दिखाना चाहिए कि इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है या चाइना के अंदर, और वहाँ का लोग कैसे दिखते हैं, उनका नेम कैसे होता है, ये सब उन लोगों को भी दिखाना चाहिए। अभी हम लोग 21st century में जी रहा है एंड इंडिया इज़ अ वेरी बिग एंड फास्ट कंट्री। हम लोग इंडिया में सब लोग यूनाइट होके रहते हैं, तो ऐसा टाइम में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना इंडिया के अंदर, ये सब होना ये अच्छी बात नहीं है। एंड हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, हम लोग को भी बहुत ही बुरा फील होती है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टॉप कॉलिंग अस चाइनीज, वी आर ऑल्सो बिलोंग टू इंडिया एंड प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद।